आज शेरे कश्मीर भवन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस फौज को यहां जमा हुए देख के दिल खुश हो जाता है, क्योंकि इस जमात को कमजोर करने की नहीं मिटाने की एक मुकम्मल कोशिश की गई थी पिछले 8-10 साल के दौरान। कौन सा ऐसा हरबा है जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया? साथियों को डराया गया, धमकाया गया, कुछों को लालच दी गई, कुछों को और झांसे दिए गए, अक्सर बेशतर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सतून हैं वो जमात के साथ जुड़े रहे, उन्होंने इन साजिशों को कामयाब होने नहीं दिया, उन्होंने इन ताकतों का मुकाबला किया, एक दो बह गए, जाते जाते उनकी भी गलतफहमी थी, कहीं जाने से ये जमात खत्म हो जाएगी, लेकिन बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों ने यह साबित किया है कि यह जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरों की जमात नहीं है, यह जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों की जमात है। हमें ताकत नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऊपर की सतह की कयादत से नहीं मिलता, हमें ताकत मिलता है पहले अल्लाह ताला से, भगवान से, वाहेगुरु से, उसके बाद ताकत मिलता है जम्मू कश्मीर की आवाम से और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर से। ये इस बात का नतीजा है कि हमारा काडर मजबूत है, कि इस जमात ने तमाम तूफानों का जो है सामना किया। वो कहते हैं ना, फनूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। हमें बुझाने में मुझे बताएं ना कौन सी कसर बाकी रखी गई थी, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि इलेक्शन के बाद ये नतीजा होगा। और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को आज इस स्टेज के माध्यम से सलाम करना चाहता हूं, जिस तरह उन्होंने अपने वोटों का इस्तेमाल किया और समझदारी से अपने नुमाइंदे चुने। अब क्या हमें और सीटें मिल सकती थी? बिल्कुल। क्या हम उम्मीद कर रहे थे कि इससे ज्यादा हो? शायद अपने से नहीं लेकिन दूसरों से। लेकिन एक एक सीट जो आज हमारे पास है, मैं उसके लिए दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर के वोटरों का शुक्रगुजार हूं। और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट एमएलए जीत के आए और फौरी तौर बिना कोई शर्त रखे हुए अपने लिए हमारे इस कारवां के साथ जुड़ गए और हमारी मदद करने निकले, जिसमें हमारे बन्नी के एमएलए डॉक्टर रमेश्वर सिंह जी भी यहां बैठे हैं, इलेक्शन के बाद जब इनसे मुलाकात हुई, जब बाकियों से मुलाकात हुई, इनमें से एक ने भी अपने लिए नहीं मांगा,
जब बात की तो जम्मू कश्मीर के आवाम के हवाले से बात की, अपने असेंबली सेगमेंट के हवाले से बात की, अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात की और कहा कि लोगों के जो मुतालबे हैं, मुश्किलात हैं, उनका अब हल होना चाहिए। हम बेसब्री से इस दिन का इंतजार करते रहे। 2018 में लोगों की चुनी हुई हुकूमत जब चली गई तो तब से लेके आज तक लोगों ने दरबदर की ठोकरें खाई, मुसीबतों का सामना किया, उनकी आवाज कहीं पहुंची नहीं, मायूसी, परेशानी, दुख, दर्द। लेकिन आज मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि अब आपकी सुनवाई होगी, आपकी आवाज, आपकी आवाज अंधेरे में गायब नहीं होगी, आपके मुतालबे मुतालबे नहीं रहेंगे, आपके मुश्किलात जो हैं इंशाल्लाह आगे जाके उन मुश्किलात को हम हल करके ही अपने आप को दोबारा लोगों के सामने पेश करेंगे। इलेक्शन के नतीजे निकले ही नहीं थे कि हमारे कुछ मेहरबान ये शोशा डालना शुरू कर गए थे फिर आप जम्मू का कुछ नहीं होगा, जम्मू को नजरअंदाज किया जाएगा, जम्मू को सजा दी जाएगी कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार या कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां से चुना नहीं। और मैंने पहले दिन से कहा, मैंने कहा यह हुकूमत सबकी होगी, इसमें नुमाइंदे सबके होंगे, इसमें आवाज सबकी होगी और हम खिदमत सिर्फ उन लोगों की नहीं करेंगे जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस या अलायंस को वोट दिए। हम अगर खिदमत करेंगे तो पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम की खिदमत करेंगे। डिप्टी सीएम बनाना कोई मजबूरी नहीं थी ना, इससे पहले भी जम्मू के डिप्टी सीएम बने हैं लेकिन वो कोएलिशन में मजबूरी की वजह, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, जब वो वजीर आला बने तो कांग्रेस के साथ उनका अलायंस था, अलायंस को उन्होंने औहदे देने थे, मंगत राज शर्मा जी डिप्टी सीएम बने। जब गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू से सीएम बने, डिप्टी सीएम बनाना था, कश्मीर को डिप्टी सीएम का दर्जा मिला। जब 6 साल मेरी हुकूमत चली वजीर आला के तौर पे, मैंने जम्मू कश्मीर की खिदमत की, अलायंस की मजबूरी थी कि ताराचंद जी को हम डिप्टी सीएम बनाएं। इस बार फिलहाल कांग्रेस ने अभी तक मिनिस्ट्री में जो है शामिल होने का जो है कोई फैसला लिया नहीं है, लेकिन हमने तब भी डिप्टी सीएम बनाया और डिप्टी सीएम भी उसी पार्टी का जिस पार्टी का सीएम। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो पिछले इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ उंगली उठा के कहते थे कि यह मुसलमानों की पार्टी है, इस पार्टी में मुसलमानों के अलावा किसी के लिए जगह नहीं, कहते थे ये कश्मीरियों की जमात है, यहां जम्मू का कोई नहीं होगा, कहते थे ये खानदानी राज वाले लोग हैं, इनको खानदान के अलावा कुछ दिखता नहीं। जब डिप्टी सीएम बनाना था जम्मू से बनाया, हिंदू बनाया,
और मेरे खानदान से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब क्या कहोगे, अब क्या कहोगे? क्योंकि सवाल तो हम आपसे भी बहुत कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इस मौके का उस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि लोगों ने जवाब दे दिया। जिस तरह डिलिमिटेशन कराई गई थी ताकि एक पार्टी को उसका फायदा हो, जिस तरह रिजर्वेशन में तब्दीली लाई गई ताकि एक पार्टी उसका फायदा ले, जिस तरह हुकूमत ने अपने मशीनरी का इस्तेमाल किया ताकि एक पार्टी को फायदा हो, उसका नतीजा आपके सामने है। मतलब ये कि ये तमाम हरबे जो हैं ये आपको इलेक्शन तक पहुंचा सकती हैं, लेकिन इलेक्शन जितवा नहीं सकती। लेकिन आसान काम मुझे लगता है हमने कर दिया है यहां तक पहुंच के। अब हमारे लिए मुश्किल काम शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने लोगों की उम्मीदों के बराबर उतर आना है, हमने लोगों के मुश्किलात हल करने हैं, हमने यहां की परेशानियों को दूर करना है, हमने लोगों की शिकायतों को कम करना है, हमें हुकूमत और लोगों के दरमियान जो फासला है उसको कम करना है। अब सगोत्रा साहब ने अपनी तकरीर में जम्मू के हवाले से बहुत सी बातें की कि ये भी मुद्दा है, ये भी है, ये लोग इस बात पे नाराज हैं, उस बात पे नाराज हैं। लेकिन मैं मजबूर होता हूं पूछने पे ना, अब ये नाराजगी पोलिंग बूथ में हमें नजर क्यों नहीं आई? कश्मीर के लोग भी नाराज थे, लेकिन अपनी नाराजगी का इजहार वोट के जरिए किया। चुनाव में भी लोग नाराज थे, वोट के जरिए इजहार किया। रजौरी पुंछ में भी नाराज थे, डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन सब चीजों को एक तरफ रख के वोट के जरिए अपनी नाराजगी को वहां पे दर्ज किया। कहने के लिए तो हम सुनते हैं कि जम्मू वाले भी नाराज हैं, कोई कहता है कि दरबार मूव को लेके नाराज, कोई कहता है कि स्मार्ट मीटर को लेके नाराज, कोई कहता है कि बिजली बिल को लेके नाराज, कोई कहता है कि पानी की कमी को लेके नाराज, कोई कहता है कि बेरोजगारी को लेके नाराज। लेकिन ये नाराजगी जो है पोलिंग बूथ, ये वोटिंग बूथ में हमें नजर नहीं आया। अब क्या वजह है ये भी हमें समझना होगा। या तो नाराजगी है नहीं, और अगर नाराजगी है नहीं तो फिर बड़ी अच्छी बात है, फिर कुछ खास करने की जरूरत नहीं, सारा कुछ ठीक है। लेकिन अगर नाराजगी है और उस नाराजगी के बावजूद वोट एक तरफ गए, तो इस बात को भी समझने की जरूरत है ना कि आखिरकार हुआ क्या। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि जैसे मैंने पहले कहा, वोट पैटर्न पे जो है हुकूमत चलाई नहीं जाएगी। इलेक्शन हो गए, लोगों ने अपना फैसला जो है सुना लिया, हुकूमत बनी है। अब हमारा काम है कि हम लोगों तक पहुंचे और उनके मुश्किलात और मुतालबे हल करें। हमारे पार्टी के वर्करों की भी बहुत उम्मीदें हैं,
10 साल हो गए ना अब आपको सेक्रेट गए हुए, 10 साल हो गए आपको किसी डीसी के दफ्तर में गए हुए। मेरी सिर्फ आपसे मोहतरमाना गुजारिश है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो मत करना ना। 5 साल हैं हमारे पास, 1-2 हफ्ते अफसरों को भी थोड़ी आदत डालने दीजिए कि अब लोगों की चुनी हुई हुकूमत आ गई है, अब फैसले बिना लोगों की राय हासिल किए हुए सेक्रेट या अफसरों के दफ्तरों में नहीं लिए जाएंगे। अब प्रोजेक्ट बनेंगे, अब डीपीआर बनेंगे, अब पैसे रिलीज होंगे, तब के लोग ये चाहेंगे कि फलाना काम जो है उनके इलाके में होने चाहिए। मैंने पहले ही सेक्रेटरीट में अफसरों से कहा हुआ है कि खासकर जो पंचायतों के प्रोजेक्ट बने इस साल, जो ब्लॉक के बने, जो डीडीसी के बने, जिनमें लोगों के नुमाइंदों की राय नहीं ली गई, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हमारे चेयरपर्सन शमशाद शान क्यों ना हो, पूजा ठाकुर जी क्यों ना हो, बाकी क्यों ना हो, हमारे एमएलए हजरत, चाहे डॉक्टर रमेश्वर सिंह जी हों, सजाद शाहीन साहब हों, राजू साहब हों, जावेद साहब हों, बाकी हैं। अब मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके उन सब कामों को आप रिव्यू करके देख लीजिए कि क्या वाकई ये लोगों के मतलब के काम हैं, तब जाके ये उठने चाहिए और तब जाके इन पे अमल होना चाहिए। लोगों के साथ हमारा तालमेल टूटना नहीं चाहिए। हुकूमत में सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि हुक्मरान और जो वोटर हैं उनके दरमियान फासला बढ़ जाता है। हम जो चुन के आए हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम इस फासले को कम करें। और मैंने ये तय किया है कि जहां जहां कहीं पे भी सरकारी कोई फंक्शन होगा, वहां पे अलग मैं अपने तंजीम के साथियों को कहूंगा कि वहां पे आए, जमा हों, और मैं उनके लिए अलग वक्त मुकर्रर करूंगा। ताकि अपने साथियों के साथ बैठ के मुझे वहां पे जमीन की जो असलियत है उसका पता चले, और इससे फिर अफसरों को भी एहसास होगा कि यहां कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ अफसरों के जरिए नहीं बल्कि यहां जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके जरिए हो रहा है। इसी तरह मैं अपने मीडिया के साथियों को ये यकीन दिलाना चाहूंगा कि मेरी हुकूमत के तरफ से आपके साथ कोई सख्ती नहीं होगी, कोई नाइंसाफी नहीं होगी, आपको इस बात की सजा नहीं मिलेगी कि आप मेरे खिलाफ कुछ लिखोगे। हालांकि मैं जानता हूं पढ़ना मेरे लिए मुश्किल होगा, मैं शायद पढ़ना या देखना पसंद भी नहीं करूंगा, लेकिन जमहूरियत में हम जमहूरियत को मजबूत कर नहीं पाएंगे अगर के हम मीडिया को जो है अपना काम करने की इजाजत ना दें। मैं जानता हूं बहुत से ऐसे हमारे प्रेस के साथी हैं जिनके एक्रेडिटेशन या रजिस्ट्रेशन में अड़चने डाली गई हैं, रुकावटें डाली गई हैं, इनके रजिस्ट्रेशन और वो प्रेस कार्ड जो है वो इनको नहीं मिले। आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को दुरुस्त किया जाएगा और आपकी इंस्टीट्यूशन को जो है हम स्ट्रेंथन करेंगे।
लेकिन थोड़ा सा आप रहम करिएगा, जहां हमारे काम ठीक नहीं होंगे वहां पे आप जरूर हमारे कान खींचिएगा, लेकिन जहां पे अच्छे काम होंगे वहां पे दो लफ्ज तारीफ के भी अगर आप लिखें तो गनीमत होगी। इस साल हमने सियासत के अलावा कुछ नहीं किया, थक गए आप, इलेक्शन लड़ लड़ के परेशान हो गए। साल शुरू हुआ तो पार्लियामेंट की तैयारी थी, पार्लियामेंट हुए कुछ नतीजे ऊपर नीचे, मेरा तो ज्यादा ही नीचे था। उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि उठूंगा कैसे, लेकिन अल्लाह ताला का करना देखे ना आप। मुझे उस वक्त साथी कहते थे कि इसमें भी कुछ अच्छा होगा, मैं कहता था होगा, लेकिन अंदर अंदर से मैं सोचता था क्या अच्छा हो सकता है ना, अभी तो इलेक्शन हार रहा हूं, इसमें अच्छाई कहां होगी। लेकिन देखे ना क्या, उस वक्त कई सारे ऐसे थे अफसर बाकी दोस्त जिनको लगा होगा ना खत्म गए, मोकलियो जाओ नाप लो रास्ता। वो लोग जिन्होंने 5 साल सलाम का जवाब नहीं दिया, आज जनाब वो मुझे मैसेज करते हुए थकते नहीं है। मैं कहता हूं ना कुदरत भी क्या चीज है, 5 साल एक मैसेज भी नहीं, जनाब आप ठीक हो जिंदा हो, हम क्या कुछ आपके लिए कर सकते हैं या नहीं। अब मैं सुबह उठता हूं तो गुड मॉर्निंग सर, 1 बजे फोन देखता हूं तो सर लंच के लिए क्या खाया, 8 बजे फोन देखता हूं सर डिनर में क्या था, आपके लिए कुछ भेजूं तो नहीं, और 10 बजे रात को गुड नाइट सर प्लीज अच्छे से सो जाइए। लेकिन ये चीजें हमारे दिमाग को इनका असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम में घमंड आया, अगर हमें ये लगा कि हम अब बहुत बड़े 30 मार खान हैं और बस हम ही हम हैं और कोई नहीं है, जिस तरह लोगों ने आज हमें मौका दिया, खुदा ना खास्ता अगली बार लोग हमें सजा देंगे। तो पहले दिन से हमें यह तय करना है कि हम इस हुकूमत का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस हुकूमत का अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हुकूमत हमारे लिए नहीं है, हम खिदमतगार हैं, मालिक नहीं, मालिक जम्मू कश्मीर की जनता है, हम उनके खादिम हैं, हमें सिर्फ काम करना है, लोगों के काम करने हैं आपके। और मैं इसी बात पे अपनी तकरीर जो है खत्म करूंगा कि हमारी 24 घंटे यही कोशिश होगी कि हम आपके मुश्किलात और परेशानियों को कम करें और आपके चेहरों पे दोबारा वो मुस्कुराहट लाएं जो मुस्कुराहट आपके चेहरों पे पिछले 6-8 साल से हम देख नहीं पाए। मैं जनाब सदोत्रा साहब को, रतनलाल गुप्ता साहब को, अपने तंजीम के बाकी साथियों को, अपने वुमेन्स विंग के जो सीनियर लीडर हैं यहां पे, इनको, अपने यूथ, अपने पेरेंट विंग, और जाते जाते मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, मेरे जो साथी आगे तरक्की करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, दिल छोटा मत करो ना, अब हमें 5 साल का अरसा दिया हुआ है, फिलहाल हम यूटी हैं, ये भी ज्यादा देर रहेगा नहीं, हम अपने हकूक हासिल करेंगे, हमसे जो लिया गया है उसके लिए हम जिद्दोजहद करेंगे, कोई रूठने की जरूरत नहीं है,
कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमें मौका मिला है लोगों की खिदमत करने की, इंशाल्लाह खिदमत करते रहेंगे।